तो हाँ उस्ताद, आज मैं बात करूंगा iPod 7 जनरेशन की। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ iPod की, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि बेसिकली iPod है क्या और किस तरह का है नया वाला iPod एंड ऑल। बात कुछ यूं है, बैक इन 2008 जब मेरा बड़ा भाई US से पाकिस्तान मूव हुआ था, तो वो अपने साथ iPod सेकेंड जनरेशन लेके आया था, जो जिसकी कॉस्ट तकरीबन उस वक्त भी $100-$150 थी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इतनी कुछ कॉस्ट थी उसकी। मेरा भाई अब लेके आया, तो उस वक्त वो iPod होना एक प्रेस्टीज था बेसिकली, कि नहीं यार यू आर हैविंग एन iPod, वो भी स्क्रीन के साथ, क्योंकि स्क्रीन के साथ फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था एप्पल ने, तो स्क्रीन के साथ iPod यूज करना एक डिफरेंट क्लास थी। यानी अगर आपकी जेब में है, आपके हेडफोन्स लगे हुए, ओह आपका शशका है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। बात इस तरह की है, मैं बात करता हूँ पावर ऑफ ब्रांड की। जब iPod लॉन्च हुआ, तो जितने भी लोग थे जिनके पास कोई भी MP3 प्लेयर होता था, उसको वो iPod ही कहते थे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, यानी वो MP3 नॉर्मल प्लेयर यूज कर रहे हैं, बोला मैं iPod यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वो पावर ऑफ ब्रांड इतना इन्फ्लुएंस कर गया मार्केट को। हर MP3 प्लेयर रखने वाला बंदा अपने आप को खुद ही कहता था कि मैं iPod यूज कर रहा हूँ। जब बैक इन 2008 में मेरा बड़ा भाई US से पाकिस्तान आया था, वो iPod लेके आया, तो उस वक्त वो पाकिस्तान मैं गिनती के कुछ लोगों के पास देखा था। मैंने इतने खास लोगों के पास देखा नहीं था, हो सकता हो, लेकिन मैंने बहुत लिमिटेड एडिशन देखा था लोगों के पास। इवन मार्केट में बड़ी मुश्किल से मिलता था, क्योंकि iPod फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के चार्जर्स थे वो बेसिकली डिफरेंट टाइप थे, वो लाइटनिंग केबल नहीं थी। उसके चार्जर का प्रॉब्लम ये था कि वो अक्सर खराब हो जाता था, जिसका चार्जिंग में प्रॉब्लम होती थी। तो मैं अक्सर जाके खरीदता था बोर्ड पसंद से जाके भाई के साथ में, हम बताते थे कि हमें यहाँ चार्जर चाहिए, तो बड़ा डिफरेंट फीलिंग जो थी ना, वो बड़ी डिफरेंट आती थी। लगता था कि हाँ यार, हमने भी कुछ दुनिया में कुछ झंडे वंडे गाड़े हुए। iPod Touch 7 जनरेशन की बात करूँ तो इट इज अवेलेबल इन 7 कलर, लेकिन मुझे जो पसंद आया वो आया इनका ब्लू। ब्लू डिफरेंट टाइप का है, और दिस इज 32 GB बाय द वे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि दिस इज द लास्ट iPod ऑफ द सेंचुरी, और आई मस्ट से ऑफ एंटायर एप्पल लाइफ। इसके बाद अब कोई iPod नहीं बनेगा। तो मेरा लेने का सिर्फ और सिर्फ इसका रीजन ये था कि ये लास्ट है, और ये ऑब्वियसली लिमिटेड एडिशन है। इसके बाद जब iPod की नई सीरीज नहीं आई, तो इस बेटर कि मैं इसको ले। द बेस्ट पार्ट, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, फ्री इंग्रेविंग अवेलेबल है। तो ये ऑप्शन मुझे मिला कि मैं अपने बेटे का नाम इंग्रेव कर सकूं, तो मैंने इस पे अपने बेटे का नाम इंग्रेव कराया। मैंने ऑर्डर किया था बेसिकली जो एप्पल की स्टोर की ऐप है, उसमें अगर आप ऑर्डर करते हैं तो 3-4 वर्किंग डेज में डिलीवर हो जाता है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपने घर पे डिलीवर कराओ या पिकअप करा लो किसी भी एप्पल स्टोर के ऊपर। मैंने पिकअप इसलिए प्रेफर किया क्योंकि अगर होटल के अंदर आप कोई चीज डिलीवर करवाते हो, तो उसके होटल वाले सेपरेट चार्जेस देते हैं। इसी वजह से मैंने स्टोर पिकअप का आइडिया जो है वो मुझे अच्छा लगा। iPod Touch 7 सीरीज बेसिकली अवेलेबल है 3 स्टोरेज फॉर्मेट में, 32 GB, 128 GB एंड 256 GB। मैं सबसे बेस मॉडल लिया 32 GB, क्योंकि लास्ट मॉडल था iPod का, तो आई हैव डिसाइडेड कि बेस मॉडल लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पता नहीं आगे फ्यूचर में अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि एज पर एप्पल ये अब लॉन्च नहीं होगा। सेकंड, इसकी स्क्रीन साइज जो है वो 4.8 इंच है, और आई फील लाइक मैंने iPhone 4 या iPhone 5 का कोई फोन उठाया हुआ है। आई फील लाइक इसमें कोई सेलुलर नेटवर्क नहीं, तो कोई सिम इंसर्ट नहीं हो सकती इसके अंदर, लेकिन एप्पल इकोसिस्टम के थ्रू आप इसमें फेस टाइम और iMessage इस्तेमाल कर सकते हो। ऑगमेंटेड रियलिटी होने की वजह से आप जितने भी AR वाले फीचर्स हैं, जो एप्स हैं रिलेटेड टू AR, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। इसका वेट जो है बेसिकली iPod Touch 7 सीरीज का ये 88 grams है। मेरे हिसाब से बहुत लाइट है, आप इसको हाथ में रख के इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। इसका कवर अवेलेबल नहीं है मार्केट में, हालांकि बहुत थिन है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसमें पीछे यहाँ पे ब्लैक कलर के अंदर कवरेज लाइन दी हुई है, वाईफाई एंड ऑल। आप बहुत सारे एप्स में डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, यू कैन डू सो मच स्टफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे आप चाहते हो अपना फोन यूज करना, तो वहाँ पे आप शशके के तौर पर उसको दिखा सकते हो, मैं इस तरह कह सकता हूँ। इसमें मेन कैमरा जो है वो 8 MP है, हालांकि iPod Touch को रीजनरेट किया है एप्पल ने, लेकिन इसमें कहीं भी पोर्ट्रेट फॉर्मेट नहीं है पिक्चर्स खींचने का। यू कैन टेक वीडियो अप टू 1080p। इसके अलावा फोटोज वायर फॉर्म में, बर्स मोड, पैनोरामा, जोमो 120 FPS पे रिकॉर्ड करता है। इसमें छोटी सी एक फ्लैश भी दी हुई है फॉर डार्क मोड पिक्चर्स, अगर खींचनी है कहीं ऐसी जगह जहाँ पे अंधेरा हो, तो उसको एज अ फ्लैश यूज कर सकते हो। अब तक तो जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसमें अपग्रेडेबल है 12.4। फेस
टाइम कैमरा जो है इसमें 720 पिक्सल पे है बेसिकली। आई पर्सनली से नॉट सो गुड, अगर लाइटिंग हल्की सी भी खराब होगी रिजल्ट इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होगा। अगर उसको एक्सपेक्ट करें टू यूज एज अ कैमरा और समथिंग तो आई थिंक इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। हालांकि इसको एप्पल ने नए तरीके से लॉन्च किया, लेकिन नो वायरलेस चार्जिंग, लाइटिंग पोर्ट से चार्ज होता है और म्यूजिक प्लेबैक एज पर एप्पल अप टू 40 आवर्स है और वीडियो प्लेबैक एज पर एप्पल अप टू 8 आवर्स। आईपॉड टच में एक चीज बहुत अच्छी है, ये H1 चिप इनेबल्ड है, तो इसी वजह से जितनी वायरलेस टेक्नोलॉजी है एप्पल की, फॉर एग्जाम्पल एयरपॉड्स, बीट्स, ये इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। इट्स जस्ट अ वन टैप अवे कि आप कोई भी वायरलेस स्पेशली एप्पल के, वो जस्ट अ वन टैप अवे है, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड सुपर थ्रिल्ड अबाउट दिस डिवाइस। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि मैंने इसको इसलिए कही किया कि उस पर एक तो मैंने बेटे का नाम एम्बोस करा दिया, सेकेंडली इट्स अ लास्ट आईपॉड ऑफ द जनरेशन आई मस्ट से। तो मैं इस डिवाइस को इस तरह कंक्लूड करता हूँ कि इट्स अ गुड ऑप्शन अगर आप इसका बेस मॉडल परचेज करते हो तो, क्योंकि ये लास्ट डिवाइस है, इसके बाद कोई आईपॉड नहीं आएगा और आईपॉड का आप सुनोगे भी नहीं इवन एप्पल की तरफ से इन फ्यूचर। तो मेरा लेने का सिर्फ इसको रीजन ये था कि दिस इज लास्ट डिवाइस और अगर आप चाहते हो कि आपके पास एज अ रिवॉर्ड ये हो तो यू कैन बाय दिस। तो मैं इसको इस तरह कंक्लूड करूंगा, ठीक है। और ये मेरा बेटा आ गया, ये जब बड़ा होगा ना तो ये देखेगा इंशाल्लाह कि ये भी कोई चीज थी, आईपॉड कोई आया था। ये जब बड़ा होगा इंशाल्लाह तो उस वक्त टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट होगी, तो उस वक्त का कुछ कह सकते नहीं है ना। चलो।